नमस्कार, मैं साक्षी निर्वाण और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। भारत ने पाकिस्तानी फाइटर जेट F-16 को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के राजौरी के नौशेरा सेक्टर में दाखिल हुए पाकिस्तानी फाइटर जेट F-16 को भारतीय सेना ने मार गिराया। भारतीय वायुसेना के जवाबी प्रहार से F-16 पाकिस्तानी क्षेत्र के लाम वैली में जाकर गिरा। इससे पूर्व F-16 ने नौशेरा सेक्टर में बम गिराए। हालांकि भारतीय क्षेत्र में कोई नुकसान नहीं हुआ। पुलवामा हमले के बाद हुई भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में तनाव का माहौल है। LOC पर रात भर चौकस रहे भारतीय विमान। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद भारतीय वायु सेना के विमान नियंत्रण रेखा पर पूरी रात हाई अलर्ट की स्थिति में रहे। वहीं पाकिस्तानी सेना की ओर से रात भर फायरिंग होती रही, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत की जवाबी कार्रवाई में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। बालाकोट कैंप में आतंकियों को दी जाती थी खास ट्रेनिंग। जैश के बालाकोट स्थित आतंकी कैंप में पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड फौजी आतंकियों को ट्रेनिंग देते थे। यहां आतंकियों के दौर एक खास ट्रेनिंग दी जाती थी, जिसमें आधुनिक हथियारों, विस्फोटकों के साथ सुरक्षा बलों के काफिले पर हमले के तरीके बताए जाते थे। IED बनाना, सुसाइड बम तैयार करना, विपरीत हालात में टिके रहने जैसी ट्रेनिंग भी दी जाती थी। जैश ए मोहम्मद पर एक और प्रहार, शोपियां में दो आतंकी ढेर। कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच एनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद के दो आतंकी मारे गए। आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलने पर सेना की 23वीं पैरामिलिट्री फोर्स CRPF और SOG ने संयुक्त अभियान शुरू किया था। एनकाउंटर को देखते हुए क्षेत्र में इंटरनेट सेवा बाधित कर दी गई। सेना ने सर्च अभियान भी शुरू कर दिया है। चीन के समक्ष उठाया पुलवामा आतंकी हमले का मामला। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चीन पहुंचने के बाद चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की और पुलवामा हमले का मुद्दा उठाया और कहा कि यह जम्मू कश्मीर में हमारे सुरक्षा बलों के खिलाफ सबसे भीषण हमला है। सुषमा स्वराज ने कहा कि पुलवामा हमले में जैश ए मोहम्मद का हाथ है और यह संगठन पाकिस्तान की धरती से संचालित हो रहा है। अमेरिका की दो ट्रक, आतंकी संगठनों पर कड़ी कार्रवाई करे पाकिस्तान। अमेरिका ने भी भारत का समर्थन करते हुए पाकिस्तान को उसके यहाँ पल रहे आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करने की नसीहत दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइको पोम्पियो ने कहा कि मैंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से बात की और उन्हें हालात खराब न करने और सैन्य कार्रवाई नहीं करने की बात कही। हमने पाकिस्तान को आतंकी संगठनों पर कार्रवाई के लिए भी कहा। किम से मुलाकात से पहले बोले ट्रंप। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच दूसरी बार हनोई में बातचीत हो रही है। इसके लिए यहां सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। इससे पहले ट्रंप ने कहा कि किम के साथ बातचीत सफल होगी। पूरी तरह से परमाणु हथियार खत्म करने के बाद उत्तर कोरिया तेजी से आर्थिक शक्ति का केंद्र बनेगा। पेटीएम जैसी ई वॉलेट कंपनियों को मिली राहत। ई वॉलेट कंपनियों को राहत देते हुए RBI ने ग्राहक को जानो नियमों का पालन करने के लिए समय सीमा को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। इस नियम का पालन प्रीपेड भुगतान इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करने के लिए करना है। इससे पहले कंपनियों को यह काम 28 फरवरी तक पूरा करना था। RBI ने कहा कि समय सीमा बढ़ाने के लिए विभिन्न हितधारकों ने अनुरोध किया था। आज हारे तो में पहली बार ऑस्ट्रेलिया से सीरीज गवाएगा भारत घर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दो मैचों की सीरीज का आखिरी T20 आज बेंगलुरु में खेला जाएगा। भारत पहले T20 में 3 विकेट से हार गया था। ऐसे में उसे सीरीज बचाने के लिए हर हाल में यह मैच जीतना होगा। यदि भारत हार गया तो वह घरेलू मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बार T20 सीरीज हारेगा। भारत 2008 के बाद से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई T20 सीरीज नहीं हारा है। अब डैनी का बेटा बॉलीवुड में डेब्यू के लिए तैयार। करण जौहर की फिल्म कभी खुशी कभी गम में छोटा सा किरदार निभाने वाली मालविका राज बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं। वह डैनी के बेटे रिंजिंग के साथ अपनी पहली फिल्म करेंगी। मालविका एक्ट्रेस अनीता राज की बेटी हैं। बतौर लीड एक्टर रिंजिंग और मालविका की यह पहली हिंदी फिल्म होगी। फिल्म की शूटिंग इसी साल अप्रैल में शुरू होगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ लाइव।